जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार, आज हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है इस एपिसोड पे चर्चा करेंगे। इसके विषय में बताएंगे जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो सच्चा एक अनुभव है उसको हम बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर तरफ सिर्फ पैसे का ही होड़ है, जो कि हर इंसान चाहता है कितना से कितना हम पैसा कमा लें, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, चाहे वो भले ही अधर्म पूर्वक ही क्यों ना हो, चाहे वो अधिक से अधिक झूठ बोल कर की ही क्यों ना प्राप्त किया जाए, किसी भी तरीके से प्राप्त हो, बस पैसा आना चाहिए पास में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है इस आत्मा की सिद्धि प्राप्त करना, जो कि आत्मा में ही, आत्मा हमारी पारलौकिक मंदिर होती है। मंदिर दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। जो हम आँखों से देखते हैं उसको हम लौकिक कहते हैं, और जो डिसअपीयर है, अदृश्य है, जो हमारी आत्मा के रूप में विराजमान है, जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, परम अणु से भी सूक्ष्म के रूप में विराजमान है, उसको हम पारलौकिक कहते हैं, जिसको लेंस से भी देखा नहीं जा सकता। वो हमारी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान रहती है, वो ही उस परम सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा का अंश होती है, जिसके ज्ञान मात्र से ही परमात्मा का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। वो पहली सीढ़ी होती है जब हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में, परंतु आज का जो विषय है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है इसके विषय में चर्चा करनी है। तो यदि हमारे पास समय नहीं है, हमारी लाइफ बहुत ही बिजी है, हम जीवन में 2 मिनट का भी समय भगवान के लिए नहीं निकाल पाते, तो निकालिए, हमें समय निकालना होगा, किसी भी तरीके से निकालना होगा। जिस प्रकार से हम नित्य प्रति स्नान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और सभी काम करते हैं, उसी प्रकार से ये नित्य कर्म का सिद्धांत है। ईश्वर का भी ध्यान करना परम आवश्यक होता है जीवन में। तो हमें क्या करना है, नित्य प्रति सुबह जब हम उठे, सर्वप्रथम माता पिता का चरण कमल का ध्यान करके, गणेश जी की, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, और जिसको भी आप मानते हो, उन सब का नाम स्मरण करके 2 मिनट तक बैठ करके एक ही नाम का, ओम नमः शिवाय का, ये पंचाक्षर बीज मंत्र है भोलेनाथ का, जो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो सर्वप्रथम आपको भोलेनाथ को गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम आज से आपको अपना गुरु मानते हैं, और भोलेनाथ को गुरु मान करके आप साधना आरंभ कीजिए। तो मैं भी यही करता हूँ, जिससे मुझे दर्शन भी हुए प्रभु भोलेनाथ के, और भी तरह तरह की चमत्कारिक घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं, जो मैं आपको कभी न कभी शेयर अवश्य करूंगा, जिसको, और मैं चाहता हूं कि इस संसार में जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो सब भी देखें, इसलिए मैं स्वयं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर हूं, और प्रभु का नित्य प्रति ध्यान, पूजन, जप तप करता रहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा अनुभव है,
जो आज मैं आपको बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ को महाईश्वर की संज्ञा दी गई है और वो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं यदि बैठ करके 2 मिनट संकल्प कर लीजिए, नित्य प्रति संकल्प करके उनका पूजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय 24 के 24 घंटे मानसिक रूप से उनके ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहिए। यदि मान लीजिए हमने जब आरंभ किया था आज के करीब 8 साल पहले, तो पहले दिन जब जब मुझे याद आया तब तब मैं मानसिक रूप से जप करता गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए आज आपने 10 मिनट तक भगवान का मानसिक रूप से स्मरण किया, मानसिक रूप से ही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से करने से मानसिक स्नान होता है। कहते हैं हम साबुन लगा के नहाते हैं, नहाने से हमारे शरीर शुद्ध होता है, आत्मा नहीं होती है, आत्मा शुद्ध होती है मानसिक स्नान करने से, क्योंकि स्नान 6 प्रकार का होता है, 6 या 7 प्रकार का, जो भी जो हम जल से नहाते हैं उसको वारुणी स्नान कहते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक। यदि हम सुबह 4 बजे भोर में नहाते हैं उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते यदि हमने नहीं नहाया तो, लेकिन नित्य प्रति निरंतर मानसिक रूप से प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान हमेशा 3 जगह से सोचता है कि दिल कुछ और कहता है, मन में कुछ और चलता रहता है और दिमाग कुछ और कहता रहता है। इसलिए मन को उनके स्मरण में लगाइए और नित्य प्रति उनका ध्यान कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते ये हमेशा याद रखिए, महसूस कीजिए कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है और वो ही है जो हर समय हर पल हमारे और आपके साथ रहते हैं। यदि हम उनको सच्चे दिल से गुरु के रूप में स्वीकार कर लें तो वो हमारा मार्गदर्शन हमारे अंतर आत्मा से ही करते रहेंगे, क्योंकि वो ही हमारे अंतर आत्मा में हमारे हृदय में अष्टदल कमल होता है, उस अष्टदल कमल के अंदर विराजमान भोलेनाथ स्वयं अब मार्गदर्शन करते हैं। और सत्कर्मों की तरफ जब हम नित्य प्रति उनका स्मरण करेंगे, मानसिक स्नान करते रहेंगे, धीरे धीरे करते 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 सर्वप्रथम हमारी मन इंद्रियां शुद्ध होंगी और जब शुद्ध हो जाएंगी पूर्ण रूप से तो एक परम आनंद की अनुभूति होनी आरंभ हो जाएगी और धीरे धीरे जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं उन पे भी ध्यान करना है हमको, उन पे भी ध्यान करते हुए वैसे भगवान शिव का वास हृदय में होता है और हृदय के अंदर यदि हम ध्यान करते हैं तो अनाहत चक्र जो होता है वो सबसे जल्दी उस पे ठेस पहुंचता है। यदि कोई भी कार्य हम दिल से करेंगे तो हमें उस पे सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए हमें उनका चिंतन मनन भी दिल से करना है, दिमाग से नहीं। दिमाग से चिंतन करो लेकिन दिल पे जो है अधिक भार देना है, भाव विभोर होकर के करुणा पूर्वक, जैसे एक सच्चे बालक का हृदय होता है उस प्रकार से हृदय करके दिमाग से दिल से मन से जिस प्रकार से हो सके बहु प्रकार से उनका चिंतन करने से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा अन्य कोई कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, इसलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का ही इसमें एक सहारा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनके नाम का चिंतन करते रहिए, स्मरण करते रहिए। और ये भी मैं खुला चैलेंज करता हूँ, यदि 24 घंटे प्रत्येक पल में जो भी व्यक्ति उस प्रभु का चिंतन उनके नाम का स्मरण कर ले, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
इन दोनों या किसी भी माँ का मंत्र का, क्योंकि हमारे पांच देवता जो प्रमुख माने गए हैं, भगवान सूर्य, गणेश जी, भगवान शिव शक्ति और भगवान विष्णु, ये पांच ही प्रमुख हैं। इन पांचों में से यदि किसी का भी हम स्मरण करते हैं तो इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। तो यदि हम एक का चिंतन करेंगे तो अगर हम तो ही हम सफल होंगे। यदि हम सबका चिंतन करते हैं बारी बारी से नित्य प्रति, हमें सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट नित्य आरंभ करने से पहले एक बार चिंतन सबका कर लेना है, परंतु बाकी हमारा फोकस जो है पूरे दिन का वो सिर्फ एक ही पे केंद्रित रखना है, चाहे जिसका भी करें आप, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, चाहे भगवान भोलेनाथ का, चाहे माँ का, चाहे गणेश जी का, चाहे गायत्री मंत्र का जप करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन एक ही पे कंसंट्रेशन रखना है हमेशा, तभी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, नित्यपति भगवान के नाम का मानसिक रूप से चिंतन करें, मानसिक स्नान करें, इससे बढ़िया उनके प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।